हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त? बढ़िया? ओके दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हम आज स्टडी करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको बहुत मैटर करता है बीकॉम के बेस के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसका नाम है कॉरपोरेट फाइनल अकाउंट, जो आपके सेकेंड ईयर बीकॉम का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसका नाम है कॉरपोरेट अकाउंट। दोस्तों, आपकी SY बीकॉम की अभी एग्जाम आने वाली है, तो उसके हिसाब से मैं आपको ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कॉरपोरेट अकाउंट के, उसके जो भी आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चंस, ऑप्शन क्वेश्चंस, उस सारे टॉपिक्स के मैं संजोग जाधव आपके लिए वीडियो लेके लाने वाला हूँ। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं आपके सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपलसरी क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है होल्डिंग कंपनी। दोस्तों, होल्डिंग कंपनी क्या होती है? आप सबको पता है कि होल्ड मतलब क्या? होल्ड मतलब क्या दोस्तों? इसका ही मतलब होता है होल्डिंग कंपनी। दोस्तों, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशंस क्या है? तो होल्डिंग कंपनी डिफाइन सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज। होल्डिंग कंपनी डिफाइन सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। ये जो होल्डिंग कंपनी है, ये 1956 की जो भी आपका एक्ट है, कंपनी एक्ट, उसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाई गई। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन हम इसका मीनिंग देते हैं, बाद में क्वेश्चन कैसा सॉल्व करते हैं, सम कौन सा आता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, हम बाद में देखेंगे। तो 2 मिनट में हम डेफिनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, डेफिनेशन क्या बताइए? अ कंपनी मे बी एक्वायर आइदर द होल और द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स टू अनदर कंपनी। होल्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप किसी नए कंपनी को, जो भी नई कंपनी होती है, उसके शेयर्स आप परचेस करते हैं, होल्ड करते हैं, उसको खरीदते परचेस करते हैं, उसको बोला जाता है होल्डिंग। तो इसमें क्या बताया है? अ कंपनी मे एक्वायर अदर द होल और द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अनादर कंपनी, सो एज टू हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन सच कंपनी और कंपनीज, द कंट्रोलिंग कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। दोस्तों, क्या मतलब है इसका? अ कंपनी मे एक्वायर आइदर द होल और द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स ऑफ अनादर कंपनी। होल मतलब क्या? पूरे के पूरे शेयर्स, और पूरे के पूरे शेयर्स नहीं तो 50% शेयर्स उसके एक्वायर करते हैं, परचेस करते हैं, खरीदते हैं उस कंपनी को, होल्डिंग करते हैं उस कंपनी को, बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। और जो भी सामने वाली होती है कंपनी, जिसको हम परचेस करते हैं, उस कंपनी को बोला जाता है सब्सिडियरी कंपनी। दोस्तों, आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ पूछी नहीं जाती आपके एग्जाम में, तो आपको सिर्फ इसका मतलब जानना है कि होल्डिंग मतलब होता क्या है। जैसे अगर आप किसी फोन पे बात कर रहे हैं किसी और के साथ, अगर कोई आगे वाला और आपके फ्रेंड का फोन आया तो आप होल्ड पे रखते हो, सेम वैसा ही करना है कि होल्डिंग मतलब क्या? एक नई कंपनी होती है, हम उसके शेयर्स परचेस करते हैं, शेयर्स परचेस करते हैं 50% या 50% से ज्यादा, तो उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी मतलब जो एक्वायर करती है उसको बोला जाता है होल्डिंग कंपनी, और जो उस परचेज करने वाली, जो सामने वाली कंपनी होती है, उसको बोला जाता है सब्सिडियरी कंपनी। तो दोस्तों, इसका मीनिंग हमने देखा। तो इसका जो भी सम आता है आपके एग्जाम में, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? होल्डिंग कंपनी एक कंपलसरी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको ये आपको सॉल्व हुआ तो बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी का जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मैंने शॉर्टलिस्ट करके 8 मैक्सिमम 8 या 7 जो भी स्टेप्स हैं, जो भी हर प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं, ये मैं आप आज को बताने वाला हूं। मैंने पीछे ब्लैक बोर्ड पर कुछ 3 स्टेप लिखे हैं, बाद में मैं कुछ ज्यादा जो भी है वो बाद में भी लिखूंगा।
फर्स्ट कौन सी स्टेप है, अगर आपके पास प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम कैसे होता है होल्डिंग कंपनी का, आपने पढ़ाई की हुई तो आपको पता है कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम होता कैसा है। तो दोस्तों आपको एक बैलेंस शीट दी होती है, उस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ इक्विटी शेयर दिए होते हैं दोनों कंपनी के, जो भी होल्डिंग कंपनी होती है और जो भी सब्सिडियरी कंपनी होती है उसके शेयर्स होते हैं, उसका जनरल रिजर्व होता है और उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल व्हाटएवर लायबिलिटीज, जो भी लायबिलिटीज होती है वो लायबिलिटी साइड होते हैं। एसेट साइड में जो भी फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी गुडविल मशीनरी, जो भी एसेट्स है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, व्हाटएवर जो भी है एसेट, वो सारे एसेट साइड में होती है। और एडजस्टमेंट में कुछ दो तीन एडजस्टमेंट होती है, जैसे होल्डिंग जो भी सब्सिडियरी कंपनी होती है हमने उसके कितने शेयर्स परचेस किए, एक्वायर किए हैं, कितने परसेंटेज में किए हैं, अगर कोई एसेट लायबिलिटी आपकी बड़ी है कम हुई है तो उसके बारे में कुछ एडजस्टमेंट होती है। ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट होती ही नहीं है, हमें सिर्फ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, होल्डिंग कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको सिर्फ वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वर्किंग नोट बनाने आ गई तो आपका प्रॉब्लम 100% नो डाउट टैली हो ही जाएगा। क्या होता है, आपको सिर्फ 5-6 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं और उसके बाद एक कंसोलिडेटेड जो भी बैलेंस शीट बनती है होल्डिंग कंपनी की वो आपको बनानी है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाता है, मैंने स्टेप बाय स्टेप कुछ स्टेप लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, स्टेप नंबर फर्स्ट जिसका नाम है एक्वायर शेयर्स अपॉन इशू ऑफ शेयर्स। दोस्तों ये स्टेप बहुत, इसमें आपको एक रेशो निकालना पड़ता है, जो भी रेशो होता है एक होल्डिंग का होता है और एक होता है सब्सिडियरी कंपनी का। तो दोस्तों रेशो कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला में आंसर कैसे निकालना है, आपको क्वेश्चन में जो भी अमाउंट होती है वो कैसे पोस्ट करनी है, तो आप ध्यान से देखिए मैंने स्टेप नंबर क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने स्टेप नंबर, शेयर्स एक्वायर्ड अपॉन शेयर्स इशू। शेयर्स एक्वायर कौन करता है, होल्डिंग कंपनी। शेयर इशू कौन करता है, सब्सिडियरी कंपनी। तो यहां पे कौन सी अमाउंट आएगी, जो होल्डिंग कंपनी आपकी जो भी सब्सिडियरी कंपनी होती है उसके शेयर्स जो एक्वायर करते हैं वो शेयर्स यहां पे आएंगे, और जो भी शेयर्स जो सब्सिडियरी कंपनी आप खुद के शेयर्स इशू करती है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो वहां पे आएंगे। Is that clear? इसके बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका होगा रेशो, वो रेशो जैसे वैसे है वैसे ही रखना है, वहां बाद में कहां पे यूज होता है मैं आपको बताऊंगा। स्टेप नंबर टू, दोस्तों स्टेप नंबर टू क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट, एक आपको कैपिटल प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो वो कैसे निकालते हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप कुछ लिखा है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट जब आप निकालते हैं तब जो भी यहाँ पे मैंने बताया है वो सारे की सारी अमाउंट आपकी जो सब्सिडियरी कंपनी होती है उसकी अमाउंट लेनी है बैलेंस शीट में से। इज दैट क्लियर, ये याद रखना, आपको होल्डिंग कंपनी की कुछ भी अमाउंट यहाँ पे लेनी ही नहीं है, सारी अमाउंट जो भी होगा जनरल रिजर्व, पीएनएल, प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, ओवर मैनेजमेंट ऑफ एसेट, जो भी होती है वो सारी की सारी आपको लेनी है, कहां से, होल्डिंग कंपनी की नहीं, कहा सब्सिडियरी कंपनी की, कौन सी लेनी है, सब्सिडियरी कंपनी की। तो स्टेप नंबर टू क्या है, आपको कैलकुलेशन करना स्टेटमेंट बनाना है कि कैपिटल प्रॉफिट कितना आया है हमारे बिजनेस में। तो दोस्तों स्टेप नंबर टू कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकालना है, यहाँ पे दिया है जनरल रिजर्व, जो भी सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो भी जनरल रिजर्व होगा वो यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके ओपनिंग का होगा सब्सिडियरी कंपनी का यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट ऐड करना है, सारे ऐड करने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो आपको यहां लेना है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपके प्रॉफिट में, आपके बैलेंस शीट के प्रॉब्लम में, लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर का होता है वो दोनों कंपनी का होता है, होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडियरी कंपनी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब ये अमाउंट लेते हैं वो यहाँ पे 50% लेनी है, जो भी होगी 50% लेनी है। इज दैट क्लियर। बाकी जो भी होगी वो आपको होल्डिंग कंपनी बाद में जाकर रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ये चीज ध्यान में आ गई, इज दैट क्लियर। हम फिर से मैं बताऊंगा आपको कि स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। फर्स्ट सब्सिडियरी कंपनी का जनरल रिजर्व लेना है,
सेकेंड सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना है, देन प्रॉफिट फॉर द ईयर 50% लेना है, और बाद में अगर आपके एडजस्टमेंट में कुछ बताया है कि आपकी जो भी एसेट्स होगी वो ओवर वैल्यू हुई है तो यहाँ पे आपके प्लस करना है और जो सॉरी माइनस करना है, सॉरी माय मिस्टेक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स माइनस करनी है और अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऐड करनी है। इज दैट क्लियर? जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर और वैल्यूएशन ऑफ जो भी बताया होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऐड। इसके हिसाब से आपका सेकंड आंसर आ जाएगा जिसका नाम होता है कैपिटल प्रॉफिट, वो भी जैसे थे रखना है आपको। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, तो थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दोस्तों हमेशा याद रखना, इसके पहले मैं बताता हूं, अगर आपके प्रॉब्लम में प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो आपको जो भी प्रॉफिट आएगा वो दोनों में डिवाइड करना पड़ता है, उसको नाम होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। दोस्तों अगर पहला प्रॉब्लम आपकी पहली स्टेप हो गई तो उसका रेशो आएगा, उस रेशो जैसे रखना है। बाद में स्टेप नंबर टू आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट आएगा वो आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को जो भी रेशो आएगा उस रेशो में आपको डिवाइड करना है। क्या करना है दोस्तों, इस रेशो से ये सेकेंड स्टेप का जो भी आंसर आएगा वो होल्डिंग कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट जितना रेशो में देना है और सब्सिडरी कंपनी को देना है, ये हमेशा याद रखना, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। Is that clear? आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर दिया है तो आपको रेवेन्यू प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। रेवेन्यू प्रॉफिट, जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा यहाँ पे 50% निकालना है, जो भी सपोज 10,000 आपका प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर होगा तो 5,000 यहाँ पे लेंगे और जो भी 5,000 बचे है उसको रेशियो में डिवाइड कर दो, होल्डिंग को दे दो और सब्सिडरी को दो। इज दैट क्लियर? ये हुआ स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में क्या याद रखना है, कैपिटल प्रॉफिट आने के बाद होल्डिंग और सब्सिडियरी को इस रेशियो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से डिवाइड करना है, आपको ड्रॉ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टेप नंबर थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। दोस्तों माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसका होता है हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो भी आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये सब्सिडियरी कंपनी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है। किसका होता है? सब्सिडियरी कंपनी का। दोस्तों याद रखना कि इसका स्टेप कैसा है, आपको पता है यहाँ पे हमने कितने एक्वायर किए हैं और कितने इशू किए हैं। ये इशू करने वाली कौन होती है? सब्सिडियरी कंपनी, और एक्वायर करने वाली कौन होती है? होल्डिंग कंपनी। तो यहां से ध्यान से देखिए, मैंने कुछ लिखा है फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये फेस वैल्यू कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जो दोनों शेयर्स होते हैं यहाँ पे, उन दोनों शेयर में जो भी डिफरेंस शेयर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 6,000 और यहाँ पे है 8,000, तो इनमें से डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों 1,000, तो वो 1,000 मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। सब्सिडियरी कंपनी के टोटल शेयर्स जितने होते हैं और उसके अगेंस्ट में जितने हमने एक्वायर किए होते हैं, उस दोनों के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होगा शेयर्स का, वो आपको यहाँ लेने हैं। इज दैट क्लियर? वो शेयर्स को इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे लेने हैं, बाद में उसमें प्लस करना है आपकी स्टेप नंबर टू, कैपिटल प्रॉफिट जो भी होल्डिंग कंपनी का होगा, सॉरी सब्सिडियरी कंपनी का होगा, यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर? मैंने यहाँ पे लिखा भी है। स्टेप नंबर थ्री क्या है, जो भी एक्वायर किए हैं और जो भी इशू किए हैं, उन शेयर के दोनों के बीच में जो भी शेयर्स की अमाउंट होती है उसका कैलकुलेशन करके अमाउंट यहाँ पे लेनी है। उसके बाद सब्सिडियरी कंपनी का स्टेप नंबर टू में हमने जो भी कैपिटल प्रॉफिट डिवाइड किया है वो आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हुआ आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तीन स्टेप आपको दोस्तों समझ आएंगे, फिर से बताऊंगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, क्या आपको एक रेशियो निकालना पड़ता है एक्वायर किए हुए शेयर्स और टोटल इशू शेयर्स, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका रेशियो होगा। उस रेशियो में ये कैपिटल प्रॉफिट निकालना है। फर्स्ट क्या करना है, जनरल रिजर्व लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर लेना है, उसके बाद जो भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ असेट्स होंगी और अंडर वैल्यूएशन वो माइनस करनी है, ऐड करनी है, वो आपको पता है। उसके बाद आपका कैपिटल प्रॉफिट आएगा, वो कैपिटल प्रॉफिट आपको होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी को शेयर्स में देना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने के बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसा निकालता है, फेस वैल्यू लेनी है, इस दोनों बीच में जो शेयर्स होंगे उसका डिफरेंस लेना है, कैलकुलेशन करके अमाउंट यहां लेनी है। उसके बाद सब्सिडियरी कंपनी में हमने जो भी स्टेप नंबर टू में कैपिटल प्रॉफिट डिवाइड किया होता है वो आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट में लेना है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हुआ आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो सिर्फ सब्सिडियरी कंपनी का ही होता है।
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या होता है हम देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल होता क्या है। दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो भी आपके बिजनेस में जो भी आपका गुडविल दिया होता है वो आपको दिया नहीं होता है, आपके एसेट साइड में कुछ चीजें बताई होती है उसके फॉर्मूले से आपको वो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बनाना होता है। तो दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला क्या है? जो भी आपकी कॉस्ट आपके असेट साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट दी होती है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के हिसाब से कुछ उनके लिए कुछ शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए वो आपके असेट साइड में होती है वो अमाउंट आपको गुडविल निकालने के लिए यहाँ पे लानी है। इज दैट क्लियर? या अमाउंट पता चली कहां से आती है? कॉस्ट ऑफ शेयर्स कहां पे आती है? आपके प्रॉब्लम के असेट साइड में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है जो शेयर्स इन्वेस्टेड इनटू होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी जो भी बताई होती है और अमाउंट जो भी होती है वो होल्डिंग कंपनी के अकाउंट में होती है अमाउंट में कॉलम में होती है वो आपको यहां पे लेनी है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको लेस करना है कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का। इज दैट क्लियर? क्या बताया मैंने कि आपको यहां पे कॉस्ट ऑफ शेयर्स लेनी है कहां पे असेट साइड में होती है उसके बाद उसमें से लेस करना है होल्डिंग कंपनी का। स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया कि उसका कैपिटल प्रॉफिट दिया होता है वो आपको डिवाइड करना है और सब्सिडियरी कंपनी का जो होता है वो हमने ऊपर लिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जो भी बचता है होल्डिंग कंपनी का माइनॉरिटी कैपिटल प्रॉफिट वो आपको यहां पे आके लेस करना है। उसके बाद जो भी आपकी अमाउंट आएगी उसको हम बोलेंगे गुडविल या आपका हुआ गुडविल। Is that clear? दोस्तों आपको पता चला कि गुडविल कैसे निकालते हैं? आपके एसेट साइड में जो भी कॉस्ट ऑफ शेयर्स होती है वो वहां पे लेनी है उसमें से जो भी आपका गुडविल जो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है होल्डिंग कंपनी का वो आपको माइनस करना है उसके बाद जो भी आएगा वो आपका आएगा गुडविल। दोस्तों ये हुई फोर्थ स्टेप। उसके बाद दोस्तों स्टेप कौन सी होती है? बहुत ही सिंपल स्टेप है। उसके बाद आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है लास्ट वाली। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? तो इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। Is that clear? ये बहुत सिंपल है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। आपकी जो भी फाइनल आप बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, उसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है। तो ये कैसे बनाते हैं दोस्तों? ये हमेशा याद रखना। ये जो भी हम बनाने वाले हैं, ये किसका बनाने हैं? ये होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोस्तों। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो सब्सिडियरी का हुआ, ये इंटरेस्ट किसका निकालना है? ये भी आपको जो भी हमें प्रॉफिट निकालना है, ये आपको सब्सिडियरी कंपनी का निकालना है, आपको हमेशा याद रखना, सॉरी होल्डिंग कंपनी का निकालना है। तो होल्डिंग कंपनी का क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है? तो होल्डिंग कंपनी का जो भी हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिया होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपकी होल्डिंग कंपनी होगी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग कंपनी का होगा वो यहां पे आएगा। उसके बाद उसमें क्या करना है? लेस करना है दोस्तों होल्डिंग कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट। दोस्तों हमेशा याद रखना होल्डिंग कंपनी का जो भी रेवेन्यू प्रॉफिट होगा आपको यहां पे आके एड करना है। अगर रेवेन्यू प्रॉफिट होता है तो ऐड करना है, कैपिटल प्रॉफिट वहां से माइनस करना है गुडविल में से और रेवेन्यू प्रॉफिट यहां पे जो भी कंसोलिडेटेड का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसको ऐड करना है। और क्या ऐड करना है दोस्तों? प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस
उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? समझ आया? क्या करना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, जो भी आपकी होल्डिंग कंपनी का ओपनिंग का प्रॉफिट एंड लॉस होगा यहाँ पे लेना है, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा ऐड करो, उसमें से भी ऐड करना है पीएनएल का ड्यूरिंग द ईयर का जो भी प्रॉफिट होता है वो ऐड करना है। ये स्टेप हमेशा याद रखना, ये सारे के सारे कहाँ होती है, ये हमारे वर्किंग नोट में होता है और ये दोनों आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होती है, उसके हिसाब से आपका ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारे जो भी हम मैंने अभी वर्किंग नोट बताए या आपको होल्डिंग कंपनी ने बनाने हैं, ये सारे वर्किंग नोट आपको बनाने आ गए तो दोस्तों याद रखना आपका प्रॉब्लम 100% टैली हो जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होती है, आपको रेशियो निकालना पड़ता है। स्टेप नंबर सेकेंड क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट निकालने के बाद कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग और सब्सिडियरी को डिवाइड करना है, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, रेवेन्यू प्रॉफिट होगा तो वो भी निकालना है, तो उसके बाद गुडविल निकालो, गुडविल, गुडविल के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। दोस्तों ये हुआ आपकी लास्ट है। अगर एक वर्किंग नोट एक्स्ट्रा कब बनती है, जब आपके प्रॉब्लम में 25% 20% सम परसेंटेज में कुछ कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट दिया होता है, उस टाइम आपको एक अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। उसका दोस्तों फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस वर प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जो भी आपका अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए अमाउंट बताई होती है वो आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट निकालो, ये भी लास्ट। तो उसके बाद ये सारे 7 या 7 जो भी वर्किंग नोट है ये बनाने के बाद आपको होल्डिंग कंपनी का लास्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जो भी आप जो बनानी है ये आपको होल्डिंग कंपनी की बनानी है, ये हमेशा याद रखना। तो बैलेंस शीट दोस्तों कैसे बनाते हैं, तो हमेशा याद रखना आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, अमाउंट जो भी है बनाना है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो भी वर्किंग नोट में यूज होने वाली अमाउंट हुई है, जो भी वर्किंग नोट में हमने यूज किया है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, व्हाटएवर, जिसका भी, वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और हमेशा याद रखना सब्सिडरी कंपनी का जो कुछ भी हमने वर्किंग नोट में यूज किया है वो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? ये याद रखना। तो मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूं। बैलेंस शीट में आपको क्या लेनी है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या आता है, होल्डिंग कंपनी की सारी अमाउंट्स आती है। फॉर एग्जांपल आपको लायबिलिटी साइड में क्या लेना है, फर्स्ट इक्विटी शेयर्स लेना है। तो इक्विटी शेयर्स किसके, ओनली होल्डिंग कंपनी के इक्विटी शेयर्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेने हैं। लायबिलिटी साइड में सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी के शेयर्स लेने हैं, इक्विटी शेयर्स। उसके बाद क्या आता है, अगर जनरल रिजर्व होगा तो वो ले लो, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो वो ले लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेना है, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट लेना है, उसके बाद अगर आपकी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, व्हाटएवर जो भी लायबिलिटीज होगी वो सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी की दोनों ऐड करके लेना है। ये वो आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स, होल्डिंग कंपनी के, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और जो भी बाकी की लायबिलिटीज होगी जो यहाँ पे यूज नहीं हुई, दोनों को भी, होल्डिंग और सब्सिडरी की भी, वो एक साथ लेके आपको लायबिलिटी में ऐड करना है। उसके बाद असेट में क्या होगा, सारी असेट ले लो, गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी हमें वर्किंग नोट पे गुडविल बनाए वो ले लो। जो भी असेट्स होंगी दोस्तों हमेशा याद रखना, असेट साइड में जो भी हम असेट लिखेंगे वो सब्सिडरी भी की होगी और होल्डिंग की भी होगी, वो दोनों ऐड करके लिखना है। इसके हिसाब से आपको बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट टैली होगी तो आपका वर्किंग नोट भी आपके 100% से आपका प्रॉब्लम टैली हो सकता है। इज दैट क्लियर? स्टेप नंबर फर्स्ट रेशो निकालो, स्टेप नंबर टू कैपिटल प्रॉफिट निकालो, डिवाइड कर दो, रेवेन्यू प्रॉफिट निकालो, डिवाइड कर दो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, गुडविल निकालो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट निकालो, उसके बाद अनरियलाइज प्रॉफिट बताया है तो वो भी वर्किंग नोट कर दो, उसके बाद आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बताओ, लायबिलिटी में लेना है इक्विटी शेयर्स और अदर करंट लायबिलिटीज, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हमने लास्ट का कंसोलिडेटेड का निकाला है, उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट ले लो, एसेट साइड में जो भी एसेट दोनों कंपनी की होगी, होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडियरी, वो उसको ऐड करके लेना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आपका प्रॉब्लम टैली हो जाएगा। तो प्रॉब्लम दोस्तों ऐसे सॉल्व किया होता है, वर्किंग नोट मस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जो भी वर्किंग नोट याद है उसका फॉर्मूला, उसमें क्या लेते हैं
ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना होगा। दोस्तों ये वीडियो देखो, अगर फर्स्ट टाइम में आपको समझ नहीं है कि तो आपको रिवाइंड करके देखो। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से जो भी आपको फाइनल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से मैंने ये शॉर्टलिस्ट करके जो भी प्रॉब्लम निकाला था उसके हिसाब से मैंने वर्किंग नोट बताई है। आपने अगर ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देखी, अंडरस्टैंड की, तो मैं 101% कह सकता हूँ कि आपके फाइनल एग्जाम के पेपर में सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और आपको 100% मार्क्स उसके मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन आता है, आई थिंक 15 या 20 मार्क्स के लिए आता है, तो आपका ये पूरा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हम 100% आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियो दोस्तों बनाने वाला हूं तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज इस वीडियो में हमने होल्डिंग कंपनी सीखी है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ आपके हिसाब से जो भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हो, जो भी आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फाइनल अकाउंट, लिक्विडेशंस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, व्हाटएवर अमलगेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, वो सारे जो भी टॉपिक्स है उस सारे टॉपिक्स के मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने होल्डिंग कंपनी को दिया था क्योंकि ये बहुत ही कम कंफ्यूज करने वाली आपको देता है, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी आती है, इसके लिए मैंने आज वीडियो बनानी है होल्डिंग कंपनी। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, सो बेस्ट ऑफ लक, ओके।